नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट दे रखी हैं जहां काफ़ी चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आप कैसे सेफ रहेंगे और इससे बचेंगे, और बहुत ही आसान स्टेप है। और जैसे जैसे हम वीडियो बताते जाएँ, आप चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करें। और दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, पोर्टल हम जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको जो गवर्नमेंट साइड है www.udyamregistration.gov.in, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी दोस्त आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रीन पर इस तरह की अगर विंडो ओपन हो रही है, ये रियल साइड है गवर्नमेंट की, बाकी फेक साइडों से दूर रहें क्योंकि उस पर अमाउंट भी ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर न्यू के लिए ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये साइड आपको दे रखी है। तो दोस्तों, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे, और जो न्यू हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे। न्यू के लिए दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन है उनका आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा, और आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों उद्यमी का नाम, यानी कि जो उद्योग करने वाला है, यह समझना होगा कि उद्यमी वो होता है दोस्तों जो कि व्यापार चला रहा है, और उद्योग जो होता है जिसको जो उद्योग जो चलाता है वो उद्यमी हो गया, और जिस हिसाब का उसका कारोबार है वो उद्योग हो गया। किसी का पोशाक का है, किसी का फिटिंग का है, किसी का वेल्डिंग का है, तो ये एज ए उद्योग में आ गया। तो दोस्तों, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं या उद्योग का नाम डाल देते हैं, तो जो यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि आपका जो आधार नंबर है, आधार में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ डालना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम यहाँ जो है वो नाम डालते हैं। तो दोस्तों, ये कन्फर्म रहे कि उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अवश्य होना चाहिए, और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो दोस्तों OTP जो है वो नहीं जा पाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी चेक बॉक्स पर टिक है, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से जनरेट OTP करना है, और जैसे ही आप जनरेट OTP करेंगे तो ये OTP जो है एक मोबाइल पर जाएगा जो इस आधार में लिंक है। तो दोस्तों, वो OTP हम यहाँ डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ OTP डालते हैं, और OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो देन आपके पास ये न्यू विंडो जो है वो खुल जाएगी। तो इस तरह से जब विंडो ओपन आएगी तो आपको यहाँ से जो भी संगठन के प्रकार हैं, प्रोपराइटर जो भी है, प्रोपराइटर एकल स्वामित्व है, या जो भी आप यहाँ से कैटेगरी चुनेंगे, सोसाइटी है, लिमिटेड है, सेल्फ ग्रुप है, या जो भी अदर या कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देन दोस्तों आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद अगर डू यू हैव पेन, अगर आपके पास पेन है देन आप यस करेंगे, और इसके बाद आपको यहां पेन नंबर यहां डालना होगा, और इसके बाद दोस्तों आपको ये वेरीफाई पेन करना होगा, और जैसे ही वेरीफाई पेन होगा तो उसके बाद सारे ऑप्शन यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोस्तों, डू यू हैव GST, यस और नो, आपने GST भरी है देन यस करेंगे, अगर GST अगर आपके पास GST नंबर है देन यस करना है, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर की अगर आपके पास ITR अगर है देन यस करेंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसे नो कर देंगे। और नो करने के बाद दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि नाम ऑलरेडी आया है, यहाँ इनका जो है दोस्तों आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा, और जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो आधार में है वही नंबर आप यहाँ डालें, आप दूसरा नंबर भी यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ आधार नंबर डाल चुके हैं, और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो है आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, और ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ हम ईमेल आईडी डालते हैं, और इसके बाद आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारी कैटेगरी दे रखी हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर इनकी कैटेगरी जनरल है, OBC है, वो SC ST वो सेलेक्ट करेंगे, बाकी इनको आप ये कैटेगरी वाइज पूरा परफॉर्मा दे रखा है कि किस में क्या क्या चीज़ हैं वो आप रीड कर लेंगे प्रॉपर। मेल है या फीमेल वो आपको जेंडर टिक करना है, दिव्यांग अगर हैं
तो देन यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद यहाँ आ गया उद्यम का नाम, यानी कि जो उद्योग है आपको उसका फर्म का नाम डालना है दोस्तों, वहाँ हम ये नाम डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये नाम डालेंगे, और दोस्तों यहाँ ये हम नाम डाल चुके हैं, और नाम डालने के बाद टैब यहाँ नेक्स्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इकाई का नाम आपको डालना होगा। यहाँ दोस्तों आपको इकाई का नाम डालना होगा, जो भी प्लांट का नाम है या जिस नेम आप शॉर्ट देना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ नेम डालते हैं, और नाम डालने के बाद दोस्तों आपको ये ऐड करना होगा। ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, आप यहाँ यूनिट नेम इकाई नेम यहाँ आ चुका है आर्ट गैलरी। देन यूनिट नेम पर आप जाएंगे, आर्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे, और लोकेशन ऑफ प्लांट यहाँ दोस्तों आपको ये एड्रेस डालना होगा। एड्रेस पढ़ने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल एड्रेस ये आपको डालना होगा। अगर सेम ऑफिशियल एड्रेस भी सेम है देन आप सेम यही डालेंगे, यहाँ फ्लैट नंबर जो या मकान नंबर जो भी है वो डालेंगे, यहाँ एड्रेस आएगा, यहाँ सिटी आएगा, यहाँ ब्लॉक जो भी है आपका वो ब्लॉक डालेंगे, यहाँ सड़क मार्ग गली जो भी है, और सिटी का नाम पिन कोड, और जो भी आपका राज्य है वो राज्य चुनेंगे, और यहाँ से ज़िला चुनेंगे। इसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस ईएम या यूएम रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो आप बताएंगे ईएम सेकंड है या प्रीवियस यूएम नंबर है, या नहीं है तो नया है तो वो एनए करेंगे। और इसके बाद इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ डालनी होगी। दोस्तों जिस डेट में कर रहे हैं उस वो डेट प्रेजेंट डेट ना डालें, उससे पीछे की आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। और बिजनेस रिगार्डिंग जहाँ कहीं अगर आपका वेदर प्रोडक्शन होता है तो दोस्तों देन यस करना है, और आपको यहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट की डेट आपको यहाँ डालनी है, वही प्रेजेंट डेट ना डालें, बैक डेट कोई भी डाल देंगे वो चलेगा। और इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ बैंक डिटेल्स, बैंक का विवरण है, बैंक का नाम, यहाँ IFSC कोड, बैंक खाता संख्या, और दोस्तों यहाँ से सर्विसेज आपको चुनना है या मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आप यहाँ से कराएंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ NIC कोड में आप कोई भी सर्च मार सकते हैं, जैसे अगर आप आर्ट करते हैं तो आर्ट में यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो जो भी आपका कोड होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको यहाँ से चूज करके, और देन इसे एड मोर एक्टिविटीज करेंगे, और करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको ये यहाँ सारी चीज़ प्रोसेस होगा। इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, जितने भी मेंबर्स हैं आपको यहाँ डालने होंगे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और ये अदर्स में आपको यहाँ डालना होगा। तो दोस्तों टोटल करके यहाँ अपने दो हो जाते हैं, और दो होने के बाद दोस्तों यहाँ आप जब देखेंगे कि आपकी प्रीवियस 31 मार्च प्रीवियस ईयर 2018-19 में कितनी इनकम ग्रोथ रही है तो वो आप लगभग यहाँ डाल देंगे, जो भी आपको डालना है। पुराना अगर नहीं है तो वो आप जीरो भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ, और टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग अवधि के समय कितना है आपका तो वो आप यहाँ डालेंगे, तो देन ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा आपका। और आप दोस्तों अगर जैम पोर्टल पर अगर अपडेट करना चाहते हैं देन यस करेंगे, और यहाँ अगर आप TREDS पोर्टल पर करना चाहते हैं देन यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, वो आप हैं देन चेकबॉक्स से दोस्तों यहाँ टिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट गेट फाइनल OTP के लिए क्लिक करना है, और देन आपको यहाँ ओके करना होगा, और ओके करने के बाद दोस्तों एक OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद दोस्तों ये रिकैप्चा जो दे रखा है वेरिफिकेशन कोड यही है, सेम एज ए डालेंगे, न्यूमेरिक नंबर है तो न्यूमेरिक, और कैपिटल या लोअर केस हैं वो आप यहाँ से करेंगे। देन आपको यहाँ फाइनल सबमिट करना होगा, और फाइनल सबमिट से पहले ये पूछेंगे आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर करेक्ट डेटा, देन आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा, इस स्थिति में कोई भी बैक स्पेस या डिलीट रिफ्रेश की एस्केप कोई भी की ना दबाएं। आप देख रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, और दोस्तों ये उद्यम नंबर यहाँ जो है वो आ चुका है, और दोस्तों इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद दोस्तों आपको आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो हो रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आप इसे प्रिंट करके सेव कर लेंगे। इस तरह से एक उद्योग आधार के लिए दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन करेंगे,
और इसे दोस्तों हम सेव कर लेते हैं और बाकी आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है और सारी चीज़ें, आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इसके बाद इस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कैसे करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।